डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। वर्स्ट है, ऐसा लग रहा है मैंने चेहरे पे आटा लगा लिया। खरीदने की बहुत बेकार है, वाहियात है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे कुछ प्रोडक्ट जो मैंने स्टे क्विर्की ब्रांड से लिए हैं। और ये एक उभरती हुई ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स आपको पर्पल में, purplle.com, फ्लिपकार्ट में, स्नैपडील में, लेकिन नायका में ये उपलब्ध नहीं है। इसके पीछे शायद कारण ये हो सकता है कि वो नायका अपने जो भी प्रोडक्ट सेल करती है वो बहुत ही ज़्यादा ठोक बजा के सर्टिफाइड करके बेचती है, तो मे बी इसकी इंग्रेडिएंट्स में या क्वालिटी में कुछ ऐसा है कि वो उसे अभी तक अपने ऐप में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे, मैंने एक वीडियो देखा था इसका, ये काजल का आई लव यू टू का, तब से मुझे ये ब्रांड को यूज़ करने की एक इच्छा थी, क्योंकि इसका काजल जब मैंने यूज़ किया तो मुझे इतना अच्छा लगा गाइस। आपको मैं बोल सकती हूँ कि आप बंद करके ये काजल ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो मैंने इसके कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं, देखते हैं कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है, देखते हैं कि वो कैसा लगता है मुझ पर। तो हमने इसे क्रिसमस सेल में लिया था। ये है क्रिसमस सेल, अभी चल रही है purplle.com में, जिसमें आप स्टे क्विर्की में या फिर NY में बाय वन गेट वन, ये सब सेल चल रही है। तो मैंने इसके 6 प्रोडक्ट्स लिए थे स्टे क्विर्की के, और उसमें से सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स का ही उन्होंने दाम लगाया, बाकी 3 प्रोडक्ट्स फ्री दिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्विर्की की CC क्रीम। ये इसका रेट है 249, लेकिन ये ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर पड़ी, मतलब ऑलमोस्ट फ्री। तो इसका जो शेड है CC क्रीम का, मेरा शेड है, इसका कोई शेड नहीं है, है गोल्डन रिट्रीवर 02 इस मेरा शेड जो मैंने लिया है, गोल्डन रिट्रीवर 02। देख सकते हैं मैंने इसका CC क्रीम अप्लाई कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूँगी इसका कॉम्पैक्ट पाउडर, वैसे ही देखते हैं इसका कॉम्पैक्ट पाउडर कैसा है। इसका शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है, ये आया है 249 का, ऑफकोर्स कुछ मुझे डिस्काउंट में मिला है, ये 249 का है। ये इसका है बेज बेब 3। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सिलेक्ट कैसे करूं, सिलेक्ट कैसे करूं शेड, तो मुझे ये शेड नहीं समझ में आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये मडी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ, मैं इतना मडी है, इतना चिपकू है। आई जस्ट टोटली डोंट लाइक इट एट ऑल, ये फट रहा है, मतलब जबकि मैं इसी की CC, इसी ब्रांड की सेम CC क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इसके बावजूद भी ये इतना बेकार कॉम्पैक्ट है, एकदम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं कोई मट्टी लगा रही हूँ। आई टोटली डोंट लाइक दिस, ऐसा लग रहा है कि
और ना ही ये अच्छे से निकल रहा है कॉम्पैक्टनेस, ये तो मेरे लिए वर्स्ट है। ऐसा लग रहा है मैंने चेहरे पे आटा लगा लिया, ऐसा लग रहा है मैंने चेहरे पे आटा लगा लिया। दिस इज वर्स्ट, माय गॉड। उसमें कैमरे में नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत फटा हुआ लग रहा है मेकअप। पूरा फटा हुआ लग रहा है। इट्स वेरी वर्स्ट गाइस, इसका कॉम्पैक्ट मत लीजिए, और इससे लाख गुना अच्छा है कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट। मैं सच कह रही हूँ, कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट बहुत 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 अच्छा है, लेना है वो ले लीजिए। ऐसा मिनरल फिनिश्ड लगता है कि पूछिए मत, लगाने में भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है उसका, चेहरे पर आता है तो ऑल ओवर मुझे बहुत पसंद है। बट ये तो वर्स्ट है भाई, फट रहा है वाला नीचे। जबकि उसी ब्रांड की मैंने सीसी क्रीम लगाई है तो वो तो बहुत अच्छे से चलना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए, बट बहुत बकवास। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस प्रोडक्ट, इट्स अ गार्बेज, फेंक दो इसे। सीसी क्रीम बेकार है, इसकी सीसी क्रीम बेकार है, इसका ही पाउडर भी कॉम्पैक्ट महा बकवास है। बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तना वाइट, तना वाइट, इट जस्ट बहुत बेकार है, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगा था थोड़ा बहुत स्टे क्विर्की का कोई आईब्रो पेंसिल नहीं आता है मेरे ख्याल से, तो मैंने एक आईब्रो पेंसिल मंगाया था नायका से, जो कि क्रिसमस सेल से लिया मैंने। इसका नाम है मेबेलिन न्यूयॉर्क डियो शेपर, और ये ब्राउन शेड है, और ये जस्ट मुझे 50% ऑफ में मिला था, यानी कि 305 इसका रेट है लेकिन मुझे 150 पे मिला था। लेट्स ट्राई दिस, ये बहुत नेचुरल है, मतलब एकदम नेचुरल लुकिंग है, बहुत नेचुरल, हार्श लाइन नहीं आ रही जबकि मैं वैक्स यूज कर रही हूँ उसका। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये बिल्कुल हाफ प्राइस में मिला है, तो मैं वैसे ही खुश हूँ। टू फीलिंग विद दिस पाउडर, बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा शेप बना है, मैं खुश हूँ इससे, बहुत खुश हूँ। स्टे क्विर्की के सीसी क्रीम ने और कॉम्पैक्ट ने तो मेरा पूरी तरह से दिमाग ख़राब कर दिया था, पर अब क्या कर सकते हैं। मैंने उसे इसलिए लिया था, वो ब्रांड में इसलिए ट्राई करना चाहती थी आपको सच बताऊँ, क्योंकि मैंने सोचा कि उसका आई काजल इतना अच्छा है तो हो सकता है उसके दूसरे प्रोडक्ट भी अच्छे हो। यूज़ कर रही हूँ ये टार्ट अमेजोनियन क्ले का ब्लशर, टार्ट अमेजोनियन क्ले का। चलिए मैं पूरी करती हूँ, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्विर्की का काजल, और इसे मैं सिर्फ नीचे नीचे लगाऊंगी, ओके, यहाँ पर। मैं बेसिकली इसे यूज़ करती हूँ आईलाइनर लगाने के लिए, आपको सच बताऊँ, लाइनर लगाने के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि आई शेडो के ऊपर कोई भी लाइनर इजीली या कोई भी काजल इजीली नहीं चलता है, बट स्टे क्विर्की का ये काजल कोई भी आई शेडो आप लगा लो उसके ऊपर इजीली मूव होता है। तो इस बजट में इससे अच्छा काजल मुझे नहीं लगता कहीं, इस बजट में अच्छा नहीं। अब मैं ये वाला शेड यू ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और अमेज़ोनियन क्ले का ये ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। और
और इससे मैं इसके ऊपर ओवर ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं ये ब्लशर का पिंक शेड भी ले रही हूँ थोड़ा सा इसको लाइट करने के लिए। Oh wow, the tip is really nice. Wow, it's really smooth, guys. जैसा इसका काजल है वैसे ही उससे भी अच्छा इसका ये लाइनर पेन है। आप लोग आँख बंद करके इसे ले सकते हैं। तो गाइस लाइनर पेन तो मुझे बहुत पसंद आया है, आप इसे स्टे क्विर्की की लिक्विड लिपस्टिक ऑरेंज यू ग्लैड टू सी। पर आज मैं भूल नहीं था ऑरेंज कलर लगाने का, बट आप लोग के लिए लगा। यूज करें और एक फ्लेम के लिप्स लिप्स पाम और इस पर बिल्कुल पैसे खर्च मत कीजिएगा। ये ओरिफ्लेम के लिप्स पा जो है अच्छी है बट बहुत कम क्वांटिटी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरत नहीं है यूज़ करने की। ऐसे और इससे भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। सूखी का वेट कर रही बट मैं ये ऑरेंज शेड नहीं लगा के जाना चाहती। फ्रेंकली स्पीकिंग इसका पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर और सी सी क्रीम ना ही रेप रेस्ट, लेकिन आँख बंद करके आप इसका आईलाइनर पेन और काजल जरूर लीजिए, अपने बजट में सबसे बेस्ट। सो फ्रेंड्स ये है लुक फाइनल स्टे क्विर्की का, देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सेटल हो गया है अभी, क्योंकि वो जो कॉम्पैक्ट था वो तो इतना फटा सा लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था, बट ये अभी काफ़ी सेटल हो गया है स्किन पे, उतना फटा हुआ नहीं दिख रहा है। और ये मेरा लिप टॉपर देखिए, आई लव रिवॉल्यूशन का, तो ये मैंने यूज़ किया क्योंकि मुझे एकदम ऑरेंज लुक नहीं चाहिए था, इसमें हल्के पिंक मेटल्स हैं। आपको पता है मैं इन सब चीज़ों में एक चीज़ तो भूल गई, वो था मेरा मस्कारा, मैंने मस्कारा अप्लाई नहीं किया। चलो गाइस फिलहाल तो मुझे आपको स्टे क्विर्की ब्रांड के बारे में बताना था। आप इसकी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, लिपस्टिक ठीक है,
और मतलब लिक्विड लिपस्टिक, ठीक है। और इसका ये लाइनर पेन, वो तो फैंटाबुलस है। इसका काजल नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसका कॉम्पैक्ट खरीदने की, बहुत बेकार है, वाहियात है कॉम्पैक्ट। और सीसी क्रीम भी उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। फिर मिलते हैं, बाय।